मैं कमिंग सर। कमिंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। थैंक यू सर। मिस्टर गौरव, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम गौरव है, मैं राजस्थान के चूरू जिले का निवासी हूँ सर। सर मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो चूरू जिले से ही की है, उसके पश्चात मैंने माइनिंग में बीटेक किया है आईआईटी बीएचयू से, और उसके पश्चात सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। कबड्डी खेलना और राजस्थान का ट्रेडिशनल गेम सर्वर खेलना सर मेरी हॉबी है। ओके गुरु, डेटा माइनिंग क्या होती है? सर जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्स है उसमें सर एक ओर होता है जिसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी होता है, उसको माइनिंग करके यूजफुल प्रोडक्ट निकालते हैं। उस तरीके से सर जो रॉ डाटा होता है उससे किसी भी प्रकार के ट्रेंड का नहीं पता चलता। जब उस रॉ डाटा को एनालिसिस किया जाता है उससे एक ट्रेंड निकाला जाता है, उससे कुछ फ्यूचर की एक्टिविटी को एनालिसिस किया जाता है, उसको सर डाटा माइनिंग बोलते हैं। ओके, तो डेटा माइनिंग यूजफुल है व्यक्ति के लिए या इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं? जी सर बिल्कुल, इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। जो यूजफुलनेस इसलिए है सर कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली लेते हैं, लेकिन उस जब डेटा का एनालिसिस किया जाता है तो उससे पता चलता है कि हमारे क्या पसंद की चीज़ है क्या नापसंद की चीज़ है। उसको ज़्यादातर जो मार्केटिंग की कंपनीज है उनको यूज़ करती हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि उनको पता चलता है कि आपकी इस प्रकार की पसंद है तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी तरीके से प्रोवोक करके आपसे कौन से डिसीजन करवाती हैं वो व्यक्ति को खुद को नहीं पता चलता, और उसकी जो प्राइवेसी है उसके अंदर भी दखल अंदाजी होती है। तो इस तरीके से सर कुछ नेगेटिव्स भी हैं डाटा माइनिंग के। ओके, राइट टू प्राइवेसी आपने इसमें बीच में बात की है, तो राइट टू प्राइवेसी के लिए कितना खतरनाक है डेटा माइनिंग करना? सर अभी एक कमेटी बिठाई थी जो गोपाल कृष्ण कमेटी थी, उस कमेटी में जिस प्रकार से डाटा को दो प्रकार से डिवाइड किया गया था, एक डाटा पर्सनल डाटा है एक पब्लिक डाटा है, इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा सर कि यदि ओला बाइक को करते हैं, यदि उसमें ये बताया जाता है पर्सन एक्स गुजर की थड़ी से गोपालपुरा गया है, वो एक पब्लिक डाटा है, उससे मतलब लोगों के जो मोबिलिटी का बिहेवियर है उसका पता चलता है। यदि उसमें पता है कि मिस्टर गौरव यहाँ से यहाँ गया है तो वो एक पब्लिक डाटा है, उस डाटा से सर प्राइवेसी को खतरा होता है। तो सर जो डाटा का क्लासिफिकेशन है उसको बहुत जरूरी है जो यदि राइट टू प्राइवेसी को बचाना है तो सर। ओके, अभी व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के काफी वो चर्चा में रहा है। जी सर, क्या ऐसा विवाद के बिंदु रहे हैं जिसके कारण उसको काफी समस्याएं देखने को पड़ी है और सरकार ने भी सख्त एक्शन उसके खिलाफ लिया है, क्या इश्यू था वो? सर जो व्हाट्सएप ने अभी अपनी प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसके अंदर चेंज किया था सर, उसके अंदर चेंज था कि व्हाट्सएप एक बड़े ग्रुप का पार्ट है जो है फेसबुक सर, तो उसके साथ डाटा शेयर करेगा, जो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं उनको शेयर करेगा, और आप किस प्रकार का जो आप बिहेवियर दिखाते हो मतलब शॉपिंग किस प्रकार की करते हो, जब व्हाट्सएप पे अभी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का सिस्टम भी आ गया है तो वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इस प्रकार की डिटेल्स को शेयर करेगा। हालांकि व्हाट्सएप ने क्लियर किया था कि जो आपस की चैट है वो एंड टू एंड इंक्रिप्ट है, तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं दिखाया जाएगा, परंतु जो उनके बाकी जो डिटेल्स हैं उनको शेयर करेंगे, तो उसकी वजह से सर वो इशू आया था सामने। तो क्या ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है ये सेफ है, क्या होता है ये? सर एंड टू एंड इंक्रिप्शन को यदि सिंपल शब्दों में समझे सर, तो यदि जैसे किसी का नाम गौरव है उसको सर स्टार और हैश फॉर्म में दिखा देंगे तो उससे, और वो पब्लिक की के थ्रू उसको चेंज किया जाता है, और जो सामने रिसीव करने वाला है उसके पास एक प्राइवेट की होती है जिसके थ्रू वो स्टार और हैश का मतलब गौरव समझ जाएगा, उसके अलावा कोई भी उसका मतलब नहीं समझेगा। तो अभी व्हाट्सएप 128 इंस्क्रिप्शन का यूज़ कर रहा है, बिट का इंस्क्रिप्शन का यूज़ कर रहा है, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से सर उनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। यदि क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं तो सर ये जो एंड टू एंड ये इंस्क्रिप्शन है ये खत्म हो जाएगा मतलब सर, तो उसके टाइम पे नया सुपर कंप्यूटर से भी तो डिकोड किया जा सकता है। सर जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था उससे यदि 128 बाइट्स है उसकी सर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन होती है सर, और उसमें भी सर मतलब कि बताया गया है कि जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो भी कम से कम 10 से 20 साल डिकोड करने में लगा देगा उस पब्लिक और प्राइवेट की को सर, तो वो सर उतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं है कि किसी भी एक पासवर्ड को चेंज करने के लिए आप 10 साल मतलब उसका डिकोड करने में लगाओ। ओके ठीक है,
एक ब्लॉकचेन तकनीक भी चर्चा में है आजकल, ये क्या होती है? सर ब्लॉकचेन तकनीक एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम है सर, तो इसमें सर जिस प्रकार से कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं सर, उसमें जो पहले के जो ट्रांजेक्शन है उनको ऐड करके एक मॉडिफाइड फॉर्म दे दी जाती है। यदि सिंपल शब्दों में समझे सर, ट्रांजेक्शन हुए हैं ए बी सी डी, तो उस ट्रांजेक्शन को फिर वो एक नाम बदल के दे देंगे एक्स ट्रांजेक्शन। तो जब भी एक्स ट्रांजेक्शन की डिटेल्स का हमें पता करना होगा तो हमें पता चल जाएगा ए बी सी डी है, और ये एकदम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कहीं सेंट्रलाइज फॉर्म में नहीं रहता। मतलब जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उन सब के कंप्यूटर में वो डाटा होता है, तो उस डाटा को आप किसी भी तरीके से हैक नहीं कर सकते सर। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक खास बात है। गौरव, आप BHU से IIT आपने किया? जी सर। तो IIT करने के बाद आप RS के अंदर जाना चाह रहे हैं, ये थोड़ा देश के साथ एक तरह से मैं कहूँ कि उचित व्यवहार नहीं है आपका। सर इस बात में सर, जब 12th के बाद डिसीजन लिया था IIT का करने का सर, तो उस समय सर जो मेरी मानसिक स्थिति थी और जो हमारा सोसाइटी का परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से मुझे लगता है मैंने बेस्ट डिसीजन लिया था। जो एक बेसिक ग्रेजुएशन है उसके बाद करने के बाद आदमी के अंदर इतनी मेच्योरिटी आती है कि वो अपना डिसीजन ले सके। उसके बाद सर मैंने सोचा कि जो मैंने माइनिंग में सीखा है उसका प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज हो सकता है, तो मैंने सर माइनिंग से प्रशासन में आने का निर्णय लिया सर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। जी सर। तो आपका जो ये विशेषज्ञ ज्ञान है, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद राजस्थान को किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे? जी सर, जो माइनिंग है सर उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ाया जाता है सर। जैसे सर सर्वे पढ़ाया जाता है, उस सर्वे का यूज सर अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। उसके अलावा सर जैसे राजस्थान की जियोलॉजी को मैं बेहतर समझ सकता हूँ, तो जियोलॉजी बेस्ड जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट में मैं काफ़ी योगदान दे सकता हूँ। उसके अलावा सर माइंस में एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट करना है सर, वो भी एक प्रशासक का काम होता है, उसमें भी सर मैं अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। उसके अलावा सर इकोनॉमिक्स, जो मिनरल से रिलेटेड इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाई जाती है, इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट पब्लिक सेफ्टी और जो इकोनॉमी का एक ट्रायलिमा है जो माइनिंग का सबसे कोर पॉइंट है, वही ट्रायलिमा सर पब्लिक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने भी रहता है सर। तो मुझे लगता है कि जो मैंने माइनिंग के अंदर सीखा है उसका सर हर तरीके से ना प्रशासन के अंदर भी यूज हो सकता है सर। ओके गुरु, आप में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिससे आपको ये लगता है कि आप एज ए इंजीनियर उतना देश के लिए नहीं कर सकते थे जितना प्रशासनिक अधिकारी बन के आप इसमें जा सकते हैं? तो कौन कौन से प्रशासनिक गुण आप अपने आप में पाते हैं? सर सबसे पहले सर जो मैंने अपनी स्टडीज से जो सीखा है सर वो है सर एक लॉजिकल रीजनिंग करना सर। दूसरा सर जो ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, मुझे लगता है कि मैं किसी भी टॉपिक के पॉजिटिव नेगेटिव्स को ध्यान में रख के फिर डिसीजन लेता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। फिर सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक टीम स्पिरिट है सर, जो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग, उसमें सर टीम स्पिरिट का इतना ज़्यादा यूज नहीं होता सर, उसमें आपको अकेले काम करना पड़ता है ज़्यादा। तो इसमें सर जो टीम स्पिरिट जो मैंने अपने खेलों से सीखी है तो उसका प्रशासन में मैं यूज़ कर सकता हूँ। और सर मुझे लगता है कि मैं हर व्यक्ति की एक रेस्पेक्ट करता हूँ, तो यदि मैं रेस्पेक्ट करूँगा तो जो प्रशासन की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जो भी डिलीवरी करनी है तो मुझे लगता है सर मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाऊँगा। ओके गौरव, आप चूरू से हैं और चूरू एक डेजर्ट इलाका है, तो और वहाँ खनिज संसाधन भी खूब होंगे, तो चूरू के डेवलपमेंट के लिए आप सरकार को क्या सिफारिश दे सकते हैं वहाँ पे लोकल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप हो सके? जी सर। सर यदि चूरू जिले को देखा जाए ये माइंस की और मिनरल्स की नज़र से, तो सर चूरू जिले में अभी कुछ खास ऐसा मिलता नहीं है। जो विदासर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जिप्सम की खेती होती है, जिप्सम की पैदावार होती है सर। उसके अलावा सर जो जिप्सम है उसके बेस्ट इंडस्ट्री जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे बनाया जा सकता है जिप्सम से, तो इस प्रकार की इंडस्ट्री का हो सकता है। उसके अलावा सर अभी लेटेस्ट एक्सप्लोरेशन से पता चला है कि चूरू हनुमानगढ़ बेल्ट में सर पोटाश की संभावना है, तो यदि वो मिल जाती है तो सर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके अलावा सर चूरू चने के प्रोडक्शन में नंबर वन रहता है, तो सर वहाँ पर जो चने पर आधारित इंडस्ट्रीज हैं जैसे भुजिया इंडस्ट्री हो गया, तो इस प्रकार की इंडस्ट्री का भी सर डेवलपमेंट किया जा सकता है। और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैं शेखावाटी के,
उसका भी सर यूज किया जा सकता है। उसके अलावा सर जो चूरू में फॉरेस्ट कवर कम है और जो सनलाइट 300 डेज अवेलेबल रहती है सर, तो सोलर एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, तो सर उसके प्रोडक्शन में भी सर किया जा सकता है। राजस्थान का जो बजट है, नया बजट 2021-22 फिस्कल ईयर के लिए, तो इसमें चूरू जिले को विशेष करके ध्यान में रखते हुए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? अच्छा, शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं पूरे राज्य के लिए? शिक्षा में सर एक आर शेड सेंटर बनाया गया, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर के अंदर वो सेंटर बनाया गया है। उसी प्रकार सर जोधपुर के अंदर रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड एक इस्टेब्लिशमेंट था, उससे रिलेटेड एक जो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोली गई है सर। उसके अलावा सर मतलब मेजर कोई मतलब ये आपने भी नहीं देखा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सर, ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप गौरव राज्य के सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवाओं के साक्षात्कार हेतु आज आए हैं। आयोग ये जानना चाहता है कि आखिर आरएस अधिकारी यदि आप बनते हैं तो आप जहां भी पोस्टेड होंगे वहां जनजातीय इलाके भी होंगे, और चूंकि मेरा ये मानना है कि आप आईआईटी पढ़े लिखे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से आपका उतना लगाव नहीं रहा होगा, चूंकि अब आप बड़े स्तर के इंजीनियर हैं। तो चूंकि राजस्थान तो एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल है, गरीब लोग हैं, उनसे सामंजस्य कैसे बिठाएंगे आप? सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर कि मैंने हायर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे स्टडी किया है सर, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ग्रामीण परिवेक्ष से किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। जो आईआईटीज हैं उसके अंदर सर एक उत्तर अभियान स्कीम चलती है जिसके अंदर हर साल एक गांव को अडॉप्ट किया जाता है, उस गांव को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू किस तरीके से डेवलप करना है, तो सर उस तरीके से हम कनेक्ट रहे हैं गाँव की प्रॉब्लम से। उसके अलावा सर जो जनजातीय क्षेत्र हैं सर उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सर जो फील्ड स्टडीज़ करने की ज़रूरत है वो सर एक किसी भी ग्रामीण और शहरी परिप्रेक्ष्य पे मुझे लगता है किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। उसमें आप कितना उनके लिए कार्य करना चाहते हो, आपके अंदर विल पावर कितनी है, वो चीज़ डिपेंड करती है, और मुझे लगता है सर मैं उनके लिए ज़रूर कुछ अच्छा कर पाऊँगा सर। ओके, आपकी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मुख्य वैल्यूज क्या क्या हैं? सर मैं अपने अंदर या फिर सर सेकंड एआरसी या फिर आपके अंदर क्या वैल्यूज आप पाते हैं? सर सबसे पहले सर मैं अपने अंदर ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी और जो इम्पार्शियलिटी की जो कोर वैल्यूज हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, मुझे लगता है कि सर मैं उन सब वैल्यूज में सर खरा उतरूंगा सर। उसके अलावा सर जो कंपेशन फॉर वीकर सेक्शन है, जिस प्रकार की वैल्यूज इंटीग्रिटी कंपेशन इस प्रकार की वैल्यूज मेंशन की है, तो सर मुझे लगता है कि मैं उनमें काफी अच्छा करूंगा सर। ओके, चरभर ये क्या होता है? सर ये राजस्थान में एक ट्रेडिशनल गेम है सर, जिसको बाहर के देशों में मिल्स के नाम से जाना जाता है सर। इसमें सर 9 गोटियां होती हैं दोनों प्लेयर्स के पास, और उनको अल्टरनेटिव करके उनको सेट करना होता है। यदि वो तीनों एक लाइन में आ जाए तो सामने वाले को एक मौका मिलता है कि सामने वाले की एक गोटी को हर सकते हैं, और इस तरीके से गेम कंटिन्यू रहता है जब तक किसी की सभी गोटियां खत्म नहीं हो जाती। ओके, आप राजस्थान की जनजातियों के उत्थान की बात कर रहे थे, क्या आप जानते हैं राजस्थान में मुख्य जनजातियां कौन कौन सी हैं? जी सर बताइए। सर राजस्थान में सर गरासिया, सहरिया, भील, मीणा, कंजर, ये सर प्रमुख जनजातियां हैं सर। इनकी सब जितनी भी जनजातियां हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम सभी जनजातियों में है वो क्या है? सर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सर वो है सर उनको जो कल्चरल शॉक है सर, कल्चरल शॉक जिस परिवेश में वो पले हैं, और जो आज के टाइम पे जो मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमी जो सोसाइटी है उसके बीच में सर काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है सर। उसकी वजह से सर उन्हें हर फील्ड में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिकली सर वो उस प्रकार से रेडी नहीं हुए, सोशली सर उनको बैकवर्डनेस की फीलिंग आती है, तो सर मुझे लगता है कि जो कल्चरल डिवाइड है वो सभी जनजातियों को एक मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सर। इनसे एडेप्टेशन बढ़ाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को या सरकार को क्या करना चाहिए कि ये भी मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाए? सर इसमें किसी भी ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम में लाने में
एक हमेशा रिस्क रहता है कि जो उनका कल्चर है वो लॉस ना हो जाए, इसलिए नेहरू जी ने एक पॉलिसी दी थी, पंचशील की पॉलिसी दी थी। उस पंचशील की पॉलिसी में ये बताया गया था कि उन्हें किस तरीके से इंटीग्रेट होना है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, तो उन्हें कल्चरल प्रोटेक्शन की पूरी आज़ादी दी जाए और उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से वनधन स्कीम चल रही है कि वो जिस प्रकार के और उनका जो ट्रेडिशनल जो स्किल सेट है उसी से सर उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए रेदर देन उनको जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है उससे कनेक्ट करना चाहिए। ओके, लेकिन आप पंसील की जो नेहरू जी के सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो इनके लिए था या हमारी विदेश नीति के लिए वाला पंसील सिद्धांत है? जी सर, विदेश नीति के लिए चाइना से रिलेटेड भी उन्होंने पंसील का सिद्धांत दिया था और जो सिद्धांत उन्होंने एक ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए भी दिया था। तो पंचशील सर 5 पॉइंट्स का जब भी वो फॉर्मूला देते थे तो उसको पंचशील के नाम से वो बताते थे, तो वो सर दोनों से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू मैम। गौरव, आपने माइनिंग इंजीनियरिंग करी है? जी मैम। जनरली लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऐसे फील्ड्स में जाते हैं, आपने क्यों माइनिंग इंजीनियरिंग को चुना? मैम, सबसे पहले तो मैम जो मेरी उस टाइम पे जो रैंक थी उसमें जो अवेलेबल ऑप्शन थे मैम उसमें मैम माइनिंग का जो जॉब सिक्योरिटी था वो सबसे ज़्यादा था मैम, और उसके अलावा मैम कि जो माइनिंग है जिसमें कि जो ब्लास्टिंग की टेक्निक्स होती हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग का जो एडवेंचर है, तो मैम एक जिस एज में मैं डिसीजन ले रहा था तो उस टाइम पे मुझे ये काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी मैम, इसलिए मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया मैम। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करे जिसमें ब्लास्टिंग वगैरह कराई जाती थी? जी मैम, जो ईयर एंड के बाद हम ट्रेनिंग पे जाते हैं 1 से 1.5 महीने, तो वहाँ पे मैम ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो आपको क्या महसूस हुआ जब आप इस तरह से इंटर्नशिप पे या ट्रेनिंग पे गए थे? क्या वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें दिखी जो कि आपको लगी कि इम्प्रूव होनी चाहिए या वहाँ के लोगों को उनसे नुकसान हो रहा है? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपने वहाँ पे देखा जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं? जी मैम, सबसे पहला मैंने रामपुरा अगुचा में भी इंटर्नशिप किया था और दूसरा इंटर्नशिप नागपुर में किया था। तो मैम जो वर्कर्स हैं उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है मैम, जिस तरीके से ब्लास्टिंग होती है मैम उसके बाद जो पीएम पार्टिकल्स हवा के अंदर आते हैं तो उनको मैम उनसे जो वर्कर्स के हेल्थ पे नुकसान पहुंचता है मैम, तो उसकी जो प्रॉपर सेफ्टी वगैरह मुझे लगता है किसी भी माइंस में फॉलो नहीं होती मैम, तो उसको फॉलो करने की एक ज़रूरत है। उसके अलावा जो कुछ जगह प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए नॉन साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है मैम, उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैम जो टेलिंग होती है मतलब जो कचरा बच जाता है लास्ट में उसका जो डिस्पोजल है मैम, उसको लेके भी जो आसपास के एरिया के जो लोग हैं उनमें हमेशा एक डर का माहौल रहता है कि इस प्रकार की टेलिंग से कि हमारे वाटर रिसोर्सेज कुछ ख़राब ना हो जाए, हमारी हेल्थ पे कोई इम्पेक्ट ना पड़े, तो उनको मैम एक लोकल कमेटी बिठा के जिनमें उनको कॉन्फिडेंस में लेके इस पे भी कुछ किया जा सकता है। अगर अपने इंडिया में जितने भी IITs हैं इनको बंद कर दिया जाए तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कुछ फर्क पड़ेगा? जी मैम, मैम जो IITs हैं उनका जो हायर एंड पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैम कार्य होता है जिसमें अलग अलग फील्ड्स फिर जनरेट होती हैं, तो मैम यदि IITs को बंद कर दिया जाता है तो जो सबसे ऊपर का जो एंड है जो एजुकेशन को विस्तार देता है वो ख़त्म हो जाएगा मैम, जो ट्रेडिशनल स्टडीज चलती आई हैं वही चलती रहेंगी। अब जिस तरीके से IITs हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया, तो उससे मैम नई ब्रांचेज ओपन होती हैं, उन ब्रांचेज को फिर जो नीचे की वो फॉलो अप कॉलेजेज होती हैं वो उनको फॉलो करती हैं और फिर ह्यूमन रिसोर्स जनरेट होता है। तो मैम किसी भी नई फील्ड में जो सबसे पहले कोई कोर्सेज वगैरह डेवलप होते हैं, रिसर्च होती है, तो हमारे देश में वो ज़्यादातर IITs द्वारा की जाती हैं। अच्छा, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स में मेंशन कर रखा है आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकर हैं। जी मैम। तो आप मुझे कोई भी एग्जांपल बताइए, कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग की वजह से बेनिफिट हुआ। मैम जनरली ऐसा कोई एग्जांपल मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, परंतु मैं जैसे किसी भी प्रकार का डिसीजन लेता हूँ, यदि मुझे घर से जयपुर भी आना है मैम, तो मैं सबसे पहले
उसका एनालिसिस करता हूँ कि मैं मतलब कि बस से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, कितना टाइम लेगी, क्या उसमें डिले हो सकता है, क्या फेयर चार्जेस हैं, या फिर कोई दोस्त जा रहा है, तो इस प्रकार के मैं जो एनालिसिस करता हूँ, मैं मुझे लगता है कि जीवन के मैं हर एस्पेक्ट में करता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होते हैं? सॉरी मैम, मैं अभी इनको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे वर्ल्ड की तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बताइए, टॉप थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। मैम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मैम, जो मैं मानता हूँ अभी, वो है मैम क्लाइमेट चेंज की मैम, जिसकी वजह से बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है मैम। उसके अलावा जो मैम दूसरा जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर जो एक डीग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का जो एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें देश जो कोऑपरेशन के बजाय सिंगल हैंडेडली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है वो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैम जो गरीबी है, उसको मैं तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानता हूँ पूरी दुनिया। जी मैम, मुझे लगता है कि जो पहले की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एसोसिएटेड और एक रिजल्टेंट प्रोजेक्ट टेररिज्म है मैम। जब कहीं पे गरीबी है और वो इनवर्ड लुकिंग सोच के साथ मिलती है मैम, तो उसका एक रिजल्ट टेरर के रूप में, टेररिज्म के रूप में उभर के आता है। जी सर, अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर। तो आईएएस का एग्जाम भी दिया आपने? जी सर। अभी सर ईयर मेंशन नहीं किया उसमें आपने अपने बीएड में? सॉरी सर, मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने अभी मेंस दिया है। अच्छा, तो आईएएस का एग्जाम 2016 में भी दिया था आपने? जी सर। क्या रहा आपका? सर मेरी 641 रैंक थी सर, तो कुछ सर्विसेज अलॉट नहीं हुई सर। अच्छा, कोई सर्विसेज नहीं। तो आप अपने ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस परफॉर्मेंस हाउ डू यू विजुलाइज योरसेल्फ? सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, उसमें मुझे लगता है कि मेरी पूरी तैयारी नहीं हो पाई थी। मैं 2016 का पास आउट था, तो उसमें मैंने काफ़ी कमियां छोड़ी। तो किस सेगमेंट में आपकी वो थी और उन कमियों को पूरा करने के लिए आप आपने क्या मेजर्स लिए और एज ऑन डेट उनकी क्या परफॉर्मेंस है सो दैट यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर? यस सर, सबसे पहले सर जो मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज था सर, उसमें सर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बजाय सर जो फाइनल एंड प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था कि किस तरीके से आंसर को राइट किया जाए, इस बार मैंने उसको सुधार करते हुए सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी लेना उचित समझा। दूसरा सर, मेरे को लगता है कि मैं पहले काफ़ी स्लो लिखता था, तो उसकी वजह से मेरा पेपर छूट जाता था सर। तो आरएस में तो ऐसा कोई वो होता नहीं है, बहुत ही होते हैं 50 वर्ड्स और 150, तो उसमें ऐसा कोई डिस्क्रिप्टिव आता है नहीं, यू हैव टू वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन ब्रेविटी। बट सर जो आरएस का एग्जाम है, उसमें मुझे जो चैलेंज लगता है सर, वो है सर कि हर एक 15 आंसर क्वेश्चन के बाद आपको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से जो नया आंसर है उसके अंदर मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम लिखना है। फ्रॉम योर साइड मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, आपके पास नॉलेज काफ़ी है। जी सर। लेकिन आप अपनी असीमित नॉलेज को आप एप्रोप्रिएट वर्ड में कैसे डिफाइन कर पाएंगे, ये स्किल आपने इनकल्केट की क्या ओवर द ईयर्स फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स टिल 2021? जी सर, इसमें मैंने जो प्रयास किया था इस बार, वो था सर कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम डायमेंशंस को कवर किया जाए। उसके लिए सर मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, जैसे यदि कोई भी क्वेश्चन है कि टेलर के चार सिद्धांत बताइए, तो मैंने सर उसको डिस्क्रिप्टिवनेस की जगह उसके जो सिद्धांतों के जो नाम हैं उन्हीं को सर लिखने की कोशिश की, और उसकी जो प्रेजेंट टाइम पे अप्लीकेबिलिटी क्या हो सकती है उसके बारे में बताना, उसका क्रिटिसिज्म के बारे में, इस तरीके से सर मैंने उसको कंप्रेहेंसिव करके और उसकी डायमेंशन इंक्रीज करके कोशिश किया है, तो सर मुझे लगता है उसका फल मिला होगा। अच्छा, जी सर, ठीक है। तो 1995 की कोई सिग्निफिकेंट इवेंट उस ईयर की
कोई है आपके दिमाग में जाने? सर WTO सर एग्जिस्टेंस में आया था 1995 में। और विद रेफरेंस टू इंडिया? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आप चोरू से हैं जी सर, और वो एरिड जोन में आता है जी सर, कौन सी बोली बोली जाती है इसमें? सर ज़्यादातर सर वहाँ पे जो मारवाड़ी बोली है उसी को बोला जाता है, लेकिन सर जो शेखावाटी का जो एरिया है उसमें सर आपकी मदर टंग कौन सी है? सर मुझे एग्जैक्ट मदर टंग में मतलब किसी भी प्रकार से जो मिक्सर हो चुका है सर लैंग्वेज का, तो उसका क्लासिफिकेशन आप पहले तो मुझे एक बार बताइए, मदर टंग बोलते किसको है? मदर टंग सर जो आपका जो प्रारंभिक जो प्राइमरी सोशलाइजेशन जिस लैंग्वेज के अंदर होता है, जो आपके पेरेंट्स और आपकी जो नियर बाई सोसाइटी जिस लैंग्वेज का यूज करती है उसको सर मदर टंग के नाम से जाना जाता है। बोलचाल की भाषा और मदर टंग में कोई फर्क है क्या? सर बोलचाल की भाषा में सर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं सर, यदि मंडी में कहीं बात कर रहे हैं तो सर वो लैंग्वेज अलग होगी, लाइब्रेरी में बात कर रहे हैं लैंग्वेज अलग होगी, टेम्पल में बात कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज अलग होगी, तो वो बोलचाल की भाषा सर जो सब्जेक्ट और जो एरिया है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। मदर टंग सर हमेशा वही रहती है जिसमें आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन हुआ हो। यू आर नियर टू द एक्यूरेसी। अब मुझे बताइएगा कि राजस्थान की जी सर इकोनॉमी की मुख्य विशेषताएं आप अपने मदर टंग में बता दें, कुछ बहुत ही मुझे दो चार सेंटेंस ही बता दो, मैं आपका एक्सेंट जानना चाहूँगा। सर राजस्थान हरी जा इकोनॉमी है मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो सर मतलब कि डिसबैलेंस्ड स्ट्रक्चर है सर। नहीं, मैं आपसे अपनी मदर टंग में पूछ रहा हूँ, हिंदी खड़ी बोली में नहीं पूछ रहा, हिंदी में नहीं पूछ रहा हूँ सर। जो मालूम हिंदी तो आप बहुत अच्छी और धारा प्रवाह बोल रहे हैं सर। जो राजस्थान हरी सौ बड़ी दिक्कत है वीक अंदर सर, दिक्कत है बेरोजगारी की, और जिस प्रकार से रोजगार अपनी इकोनॉमी डेवलप कौन कर पा रहा लग रही है बाद दिक्कत है भी के अलावा सर, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो उसकी वजह से सर जो भी किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री है उसका सर जो प्रॉफिट मेकिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाता है सर। अच्छा गौरव, अब आप मुझे बताइएगा UNO का विश्व शांति में क्या योगदान है? जी सर, सर जो UNO को बनाया गया था लीग ऑफ नेशन के एज ए सक्सेसर के रूप में बनाया गया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, कि ताकि किसी प्रकार का कोई जो दुनिया में विवाद है या कोई वॉर ना हो, तो उसमें सर मुझे लगता है कि UNO ने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आज इतनी टेंशन होने के बाद भी वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं हुआ है सर। उसके अलावा सर UNO ने जैसे जो नई प्रकार की सिक्योरिटी चल आपकी नजर में दिस क्रेडिट गोज टू UNO और दिस क्रेडिट गोज टू बैलेंस ऑफ पावर्स? सर बैलेंस ऑफ पावर सर हमेशा से दुनिया में रही है, लेकिन सर बैलेंस ऑफ पावर एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो सर लगातार चेंज होता रहता है सर, तो उस जो चेंज और जो ट्रांजिशन हो रहा है बैलेंस ऑफ पावर का, उस समय एक सर एक इंस्टीट्यूट चाहिए जो काफ़ी रोल प्ले करती है, तो मुझे लगता है UNO ने वो रोल काफ़ी अच्छे से प्ले किया है। उसके अलावा सर जो न्यू सिक्योरिटी चैलेंज है जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इनसे रिलेटेड भी UNO ने काफ़ी अच्छा काम किया है सर। जिस प्रकार से सिविल वॉर होते हैं तो वो जो अपनी सिक्योरिटी पीस सिक्योरिटी फोर्सेज भेजते हैं, तो सर जो नए प्रकार के चैलेंजेस हैं उनको लेके भी UNO ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हालांकि कुछ जगह UNO फेल हुआ है, जो बायलेटरल वॉर्स हैं जैसे अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हुआ था, और जिस प्रकार से चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है तो उसमें UNO ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, और जैसे कश्मीर की प्रॉब्लम है जो UNO में 1950 में पहुंच गई थी उसके बाद भी आज उसको इतने साल हो गए, तो कुछ हद तक सर उन्होंने सक्सेस भी हासिल की है, कहीं ना कहीं वो सर फेल भी हुए हैं। अच्छा IMF और IDBI इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इनके फंक्शनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जी सर, ये दोनों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है सर। जो IMF है उसका जो प्राइमरी टास्क है जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो उस टाइम पे वो सर लोन देके उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है सर उसका मेन टास्क था कि जो एक तो यूरोपियन इकोनॉमी जिस तरह टूट गई थी उस टाइम पे उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था, और जो डेवलपिंग नेशंस है उनको सॉफ्ट लोन देके जो उनके जो सोशल गोल्स हैं
उनको पूरा करवाना सर उनका मेंटर। कैपिटल बल्सिंग क्या होती है सर? जो ये मुझे लगता है कि एक अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट है जिसमें सर जो कैपिटल है उसके रेफरेंस में बजटिंग किया जाता है। कैपिटल इन द सेंस जो सर लॉन्ग टर्म में किसी भी बिजनेस के अंदर लगा है। कैपिटल आइटम्स फॉर ए नेशन, फॉर ए कॉर्पोरेट, फॉर ए कंपनी। सर कैपिटल आइटम्स सर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है सर, जो बाकी आपका जो वर्किंग जो स्टाफ है उसके लिए, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सर उसकी जो बिल्डिंग है, उनकी जो मशीन है, उनका सर जो मतलब बाकी सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डायमेंशंस है वो सारी कैपिटल के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। फाइन क्वेश्चन जी सर। इंडिया का एक वो है अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, जो ड्रीम है जी सर, कब तक अचीव हो सकता है, कब तक हो जाएगा? व्हाट्स योर परसेप्शन, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? सर जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो सर उसमें मुझे लगता है कि वो इंडिया अचीव नहीं कर पाएगा। परंतु मुझे लगता है कि सर जिस प्रकार से इंडिया का जो अभी मार्केट पोटेंशियल है, जिस प्रकार से अभी एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अपना हाई है, तो मुझे लगता है कि सर ये 2027-28 तक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को सर अचीव कर पाएगा। तो उसके लिए क्या एडिशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ है आपके पास में रोड मैप? सर यदि इसमें ट्रेडिशनल इकोनॉमी के कंसेप्ट से जाया जाए सर, तो जिस प्रकार से हारो डोमर मॉडल ने बताया था कि देश में यदि सेविंग्स को इंक्रीज किया जाए, वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बनेंगी, इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, उससे जॉब आएगी, जॉब से ज़्यादा टैक्स क्रिएशन होगा, तो एक वर्चुअल साइकिल जो उन्होंने बनाया था, तो आज भी सर उसकी रेलिवेंस उतनी है कि हम किस प्रकार से सेविंग्स करें। उसके अलावा सर जो आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट है, जिसमें कि सभी को ये, अब जिस प्रकार से जो इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमी वो उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही जितना इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, तो सर जो इंडिया को जॉबलेस ग्रोथ के बारे में भी इंडिया का मेंशन किया जाता है, तो सर इसमें जिस प्रकार से हमें कुछ लोकल जो अपनी स्किल्स हैं, जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट की स्किल्स हैं, उनको प्रमोट करना पड़ेगा। जिस मॉडल पे चाइना ने अपना डेवलपमेंट किया है कि उसमें सर जो सब लोग अपने घर पे कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो उसी को सर इंडिया यदि फॉलो करे तो मुझे लगता है सर 2027 तक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करे। थैंक यू सर।